बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम बात कर रहे हैं सर अपने एग्जाम सेस मिशन 2023 के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने अपना अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने अपना इकाई 4 को भी कंप्लीट कर लिया। आज के इस क्लास में बच्चों हम अपने इकाई 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। और इकाई 5 के अंतर्गत आपको 3 अध्याय पढ़ने के लिए मिलता है, आपका अध्याय 11, अध्याय 12 और आपका अध्याय 13। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं आपको अध्याय 11 के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो बिल्कुल बच्चों आ जाइए मेरे साथ, जुड़ जाइए और आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते देख लीजिए। तो बच्चों हमारा जो मिशन चल रहा था सर, उस मिशन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत आने वाला आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अध्याय 11, जिसका नाम है सर ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, और ये होने वाला है भाग एक। जी बच्चों, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाले क्लास और ब्लूप्रिंट वाले क्लास दोनों क्लास में आपको बता कर रखा है कि इस अध्याय में आपको आपको दो प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। एक जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका 4 नंबर के लिए या फिर 5 नंबर के लिए पूछे जाने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय के आपको मैं टोटल 4 पार्ट में वीडियो देने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट में यानी कि आज की इस क्लास में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ हम एक नंबर वाले प्रश्नों के बारे में भी तैयारी करने वाले हैं। सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, तीनों क्लास में हम 4 अंक वाले और 5 अंक वाले प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपने एक नंबर वाले प्रश्नों पर। तो बिल्कुल बच्चों पेन और कॉपी निकाल कर बैठ जाना है और आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो आगे के आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। देखो, तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सर समरूपता। अब ये समरूपता क्या होता है, चलो अब इसको समझते। देखो, तो यहां पर समरूपता की डेफिनेशन दी गई है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। देखो, यदि दो ज्यामिति वस्तुओं का आकार या फिर स्वरूप समान हो तो उन्हें समरूप कहा जाता है। बिल्कुल सर, ये पहली लाइन क्लियर है कि अगर दो ज्यामिति आकृतियों का आकार या फिर स्वरूप समान है तो वह समरूप कहा जाता है। ये लाइन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि समरूपता क्या होता है। बिल्कुल, फिर इसी बात को दूसरे शब्दों में और अच्छे से जमा कर क्या बोला गया है, दूसरे शब्दों में यदि दूसरी आकृति को दूसरी आकृति की सभी लंबाइयों को समान अनुपात में घटाकर या फिर बढ़ाकर पहली आकृति प्राप्त की जा सकती है तो ये दोनों आकृतियां परस्पर समरूप होते हैं। बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो, समरूपता का मैं आपको एक एकदम बेहतरीन एग्जांपल लेकर बताता हूं। देखो बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति जो है, मैं भी आप भी सब सभी लोग अपनी पूरी बॉडी को सर दर्पण में देखते हो कि नहीं? बिल्कुल जवाब देना, देखते हो कि नहीं? बिल्कुल सर, हम लोग अपने चेहरों को अपने पूरे शरीर को दर्पण पर देखते हैं। तो बच्चों अगर दर्पण आपसे छोटा होता है तो दर्पण पर आपका जो चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो आपसे छोटा बनता है। किसी बच्चे का तो ऐसा नहीं होता कि सर मेरा हाथ जो है दर्पण में बड़ा दिखाई देता है और पैर मेरा जो है वो छोटा दिखाई देता है, ऐसा तो नहीं होता ना। आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक निश्चित अनुपात में कम करकर आपको दिखाया जाता है, यानी कि जो आप रियल में दिख रहे हो और जो प्रतिबिंब आपका दर्पण में दिखाई दे रहा है वो दोनों क्या है, बराबर है, दोनों समरूप है, दोनों आप ही हो। आप रियल में दिखाई दे रहे हो, आप बड़ा दिखाई दे रहे हो, दर्पण छोटा है तो आपसे छोटा दिखाई दे रहा है, तो पूरी बॉडी को वो छोटा करके आपको दिखाता है। अब इसी केस में हम क्या करते हैं, अगर दर्पण बड़ा हो गया, दर्पण आपसे बहुत बड़ा है तो आपका जो चित्र बनेगा प्रतिबिंब पर, वहां पर दर्पण पर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण पर तो वो आपसे बड़ा बनेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि सर मेरा जो पैर है वो छोटा हो गया, कान बड़ा हो गया, आंख छोटी दिखाई देती है और मेरा जो हाथ है वो बड़ा दिखाई देता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। बच्चों इसमें क्या होता है, आपका जो पूरी बॉडी है उसको बड़ा करके दिखाया जाता है, सभी पार्ट को सभी भागों को बड़ा करके दिखाया जाता है, न कि किसी एक पार्ट को। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है सर, समरूपता कहलाता है। तो दर्पण में आप जब भी देखोगे तो ये समरूपता का बात याद आ जानी चाहिए कि सर हम अपने अपने ही समरूप को देख रहे हैं, अपने ही समान दूसरी आकृति को देख रहे हैं, वो आप ही होते हो। आपके जो लंबाई चौड़ाई हर चीज को, आपकी पूरी बॉडी को एक निश्चित अनुपात में कम करके दिखाया जाता है, लेकिन हो तो आप ही ना, हो तो आप ही। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, समरूपता कहलाता है सर। बिल्कुल, समरूपता को हमने समझ लिया। अब देखो, चूंकि हम ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको ज्यामिति के अकॉर्डिंग समझते हैं। देखो यहां पर मैं आपको दो त्रिभुज लेकर दिखाता हूं। देखो यहां पर मैंने पहला नंबर में एक त्रिभुज लिया, देखो
आपको एक त्रिभुज दिखेगा। चलो मान लेते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक भुजा बराबर है। चलो हमने मान लिया कि प्रत्येक भुजा जो है वो 10-10 सेंटीमीटर का है। कितने बच्चों? 10-10 सेंटीमीटर का। चलो 10-10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसी का एक और प्रतिबिंब ले। चलो मैं इस त्रिभुज को कहां पर रख रहा हूं? दर्पण पर रख रहा हूं। दर्पण में रख रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? दर्पण पर बनेगा। और मान लेते हैं कि दर्पण इस त्रिभुज से छोटा है तो इसकी जो आकृति है इससे छोटी दिखाई देगी। अब मान लेते हैं कि इस त्रिभुज को हम, चलो नाम दीजिए पहले तो पी क्यू आर नाम दीजिए, ठीक है। अब इसके जो प्रत्येक भुजा है वो एक निश्चित अनुपात में कम हो गए। मान लेते हैं कि 5-5 कम हो गया तो 10 में 5 घटा देंगे सर तो ये हो जाएगा 5-5 सेंटीमीटर। तो इसके जो प्रत्येक भुजा है वो अब हो चुके हैं 5-5 सेंटीमीटर। सभी भुजाएं एक निश्चित अनुपात में घटकर हमें ये दूसरा वाला प्रतिबिंब मिल चुका है। अब ये दोनों यहां पर त्रिभुज है वो क्या है? समरूप होंगे। दोनों जो त्रिभुज है वो क्या होंगे? समान आकृति के, समान होंगे, समरूप होते हैं, ठीक है। ये बड़ा दिखाई देगा और ये छोटा दिखाई देगा लेकिन ये दोनों एक ही है। दोनों क्या होते हैं बच्चों? एक ही होते हैं। अब इसको गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? समरूपता को हम गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। हमने क्या कहा सर कि त्रिभुज एबीसी और ये त्रिभुज पीक्यूआर दोनों क्या है? समरूप है। तो इसको गणितीय रूप में कैसे लिखा जाता है? त्रिभुज एबीसी समरूप। ये देखो मैंने यहां पर जो साइन बनाया, जो चिन्ह बनाया सांप जैसे, इसी को हम सर समरूपता का चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूपता का चिन्ह कहते हैं। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है कौन से त्रिभुज के? त्रिभुज पीक्यूआर के। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको अंडरलाइन करके रखना है। इसी को पूछ लिया जाता है अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसको गणितीय रूप में कैसा लिखा जाता है? तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। बिल्कुल सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। चलिए हमने समरूपता को समझ लिया, अब कुछ चीजों को और समझना बाकी है। देखिए अगला जो हमारा आता है यहां पर स्केलिंग। सर अब स्केलिंग क्या होता है? चलो स्केलिंग के बारे में आपको बताता हूं। देखो तो पहले हम स्केलिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे। देखो स्केलिंग क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? तो स्केलिंग का अर्थ है आकार में बदलाव करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको 7 स्टार लगा के रखो, 7 स्टार लगा के रखो, 7 स्टार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर स्केलिंग का अर्थ क्या होता है? तो स्केलिंग का अर्थ क्या होता है सर? बदलाव करना। क्या बदलाव करना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी को एक बार पूछ लिया गया था कि स्केलिंग का अर्थ होता है तो क्या करना सर? ये इसका आकार में बदलाव करना, आकार में बदलाव करना, ये इसका अर्थ होता है। बिल्कुल। अब देखो यानी कि आकार को बड़ा या छोटा करना, आकार को बड़ा या फिर छोटा करना, ये इसका क्या कहलाता है सर? ये इसका अर्थ होता है। स्केलिंग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आकार बड़ा या छोटा करे तो उसकी आकृति में कोई भी परिवर्तन न हो और समरूपता का गुण बरकरार रहे। यानी कि जब हम स्केलिंग करते हैं तो दोनों की आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होने चाहिए, दोनों में समरूपता का गुण बराबर रहना चाहिए सर, ये हमारा कहलाता है स्केलिंग। तो इसमें जो आपको समझने वाली बात है वो यहां पर है कि स्केलिंग का अर्थ क्या होता है सर? बदलाव करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, या फिर आकार को बड़ा या छोटा करना, ये स्केलिंग का अर्थ होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, हम इसके आगे चर्चा करने वाले। बिल्कुल। चलो अब हम समझते हैं सर स्केल गुणक के बारे में। किसके बारे में सर? स्केल गुणक के बारे में। देखो अब सर ये स्केल गुणक क्या होता है? देखो दो समरूप आकृतियों के माप में विशेष अनुपात होता है जिसे स्केल गुणक कहते हैं। स्केल गुणक का उपयोग करके किसी आकृति को आवश्यकता अनुसार निश्चित अनुपात में बड़ा या फिर छोटा किया जा सकता है। देखो बच्चों इसका एकदम अच्छा एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूं। देखो हमारा भारत देश जो है वो बहुत बड़ा है, हमारा भारत जो देश है वो बहुत बड़ा है। अब इस बहुत से बड़े, बहुत बड़े देश को आपको एक छोटे से नक्शे में दिखा दिया जाता है। जो आपको नक्शे में दिखाई दे रहा है वो हमारा भारत देश और जो रियल में भारत देश है वो दोनों समरूप होते हैं। दोनों क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। तो इतने बड़े भारत देश को आपको एक छोटे से नक्शे में दिखा दिया जाता है तो कैसे दिखा दिया जाता है? तो स्केल गुणक की सहायता से ही दिखा दिया जाता है। यानी कि उसके सभी लंबाई चौड़ाइयों को एक निश्चित अनुपात में घटाकर या फिर बढ़ाकर उसको आपको छोटे रूप में दिखा दिया जाता है, यही हमारा सर कहलाता है स्केल गुणक। तो निश्चित अनुपात में जो घटाकर बढ़ाकर जो करते हैं, निश्चित अनुपात में जो घटा रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, वही निश्चित अनुपात आपका क्या कहलाता है? स्केल गुणक कहलाता है। चलो अब इसको मैं आपको एक त्रिभुज लेकर बताता हूं। देखो अभी जो मैंने त्रिभुज लिया था उसी प्रकार से मैं यहां पर एक त्रिभुज लिया हुआ हूं। चलो इसको नाम दिया मैंने एबीसी। बिल्कुल। चलो इसके प्रत्येक जो भुजा है मैंने मान लिया कि सर 10-10 सेंटीमीटर का। कितना है? 10-10 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों। देखो इस बात को एकदम नोटिस करना,
अब हमने इस त्रिभुज एबीसी का यहां पर हमने एक समरूप त्रिभुज बनाया है, एक छोटा त्रिभुज बनाया हुआ। देखो हमने यहां पर एक त्रिभुज बना लिया। देखो अब यहां पर हम मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का नाम, चलो मैंने पहले दे दिया, पी क्यू आर है। पी क्यू आर है, बिल्कुल पी क्यू आर है। अब निश्चित अनुपात में कम हुआ है, चलो इसके प्रत्येक भुजा जो है वो अब हो चुका है दो दो सेंटीमीटर। कितना हो चुका बच्चों? दो दो सेंटीमीटर हो चुका। अब हम कह रहे हैं कि सर कि जो त्रिभुज एबीसी है ना, वो त्रिभुज पी क्यू आर के क्या है? समरूप है। तो इसको हम गणितीय रूप में ऐसे दर्शाते हैं। बिल्कुल, ये दोनों को हमने गणितीय रूप में समरूपता का चिन्ह लगाकर दर्शा दिया। अब हमें यहां पर निकालना स्केल गुणक। अब स्केल गुणक कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर प्रत्येक जो भुजा है वो 10 10 सेंटीमीटर का था, और 10 सेंटीमीटर को छोटा करके हमने यहां पर 2 2 सेंटीमीटर का लिख लिया है। तो इसका स्केल गुणक कैसे बनेगा? 10 से हम गए हैं 2 पे, तो 2 को हमें 2 से भाग, 10 से भाग देना है, तो हमें मिलेगा सर 1 बटा 5। क्या मिल चुका? 1 बटा 5 मिल चुका। भाई 2 को 10 से भाग दोगे तो 2 एक कम 2 और ये जाएगा 5 बार में, यानी कि हमें मिल चुका 1 बटा 5। और 1 बटा 5 ही हमारा क्या कहलाएगा सर? स्केल गुणक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्केल गुणक कहलाएगा। तो इस तरह से आपको स्केल गुणक भी निकालना है। आगे हम इसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी सॉल्व करने वाले हैं इसी क्लास में, ठीक है? तो इस तरह से सर हम स्केल गुणक निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों? चलिए अब देखो इसी को, चित्र को थोड़ा सा पलट देगा। देखो अब आपको क्या किया है, ये छोटा वाला त्रिभुज दिया गया जिसमें प्रत्येक जो भुजा है वो दो दो सेंटीमीटर का है, और इसी का समरूप त्रिभुज दे दिया गया एबीसी जो कि 10-10 सेंटीमीटर का, सभी जो भुजा है वो 10-10 सेंटीमीटर के हैं, तब आपको स्केल गुणक बताना है। तो पहले जो आकृति छोटी थी वो अब बड़ी हो चुकी है, तो हम छोटे से बड़े में गए, यानी कि 10 को हमें 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2 और ये जाएगा 5 बार में। अब स्केल गुणक हो चुका सर 5 सेंटीमीटर। क्या हो चुका सर? 5 सेंटीमीटर हो चुका है। ये आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं स्केल गुणक निकालने के लिए, जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो 2 सेंटीमीटर को मैंने 10 से भाग दिया तो मुझे मिला 1 बटा 5 सेंटीमीटर का क्या? स्केल गुणक। और हम अगर छोटे से बड़े में जाते हैं तो 10 को मैंने 2 से भाग दिया तो सर हमें स्केल गुणक मिला हुआ 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है। इसी के संबंधित हम आगे प्रश्न भी सॉल्व करने वाले हैं। आगे चलो, तो अभी तक मैंने आपको तीन चीजों के बारे में बता दिया है। पहला था हमारा स्केलिंग, स्केलिंग नहीं था, समरूपता था, समरूपता। फिर हमने स्केलिंग को समझ लिया और हमने स्केल गुणक समझ लिया। एकदम डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना, ठीक है? चलो अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने क्वेश्चन की ओर कि आपके एग्जाम में अभी तक कैसे कैसे क्वेश्चन बने। देख लो पहला नंबर का क्वेश्चन, कुछ भी दम नहीं है, जो मैंने अभी तक समझाया ना उसी के अनुसार यहां पर प्रश्न दिया गया। बिल्कुल देख लो, आ जाओ जाओ, देखो चलो अब इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं। देखो क्या बोला गया है कि 50 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर के नक्शे को 10 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर तक स्केल करने के लिए स्केल गुणक होगा। अब यहां पर हमें स्केल गुणक निकालने के लिए बोला गया। अब भी तो मैंने आपको स्केल गुणक निकालना सिखाया था ना, कि देखो यहां पर क्या बोला गया, एक बड़ी आकृति थी उसको छोटा किया गया, तो हम क्या करेंगे? देखो संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। तो यहां पर देखो 50 का संगत भुजा कौन है सर? ये 10 है। तो बड़ा से हम गए हैं छोटा में, तो 10 को हमें भाग देना पड़ेगा 50 से। 10 को मैंने 50 से भाग दिया तो क्या मिलेगा सर? 10 से कम 10 और ये 5 बार में जाएगा, यानी कि 1 बटा 5 हमें मिल चुका स्केल गुणक। ये पहले वाले भुजा के लिए। अगर मैं बात करूंगा कि 20 सेंटीमीटर का सर यहां पर संगत भुजा कौन सी है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पर देखो स्केल गुणक क्या निकलेगा, तो यहां से वापस से हम बड़े से कहां पर गए, छोटे में गए, तो छोटे यहां पर 4 को हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे सर? 20 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंच ये हो जाएगा 20। यहां पर भी 1 बटा 5 आया है, यानी कि हमारा स्केल जो गुणक होगा सर वो 1 बटा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बटा 5 हो जाएगा। तो 1 बटा 5 आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया सर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से हम स्केल गुणक निकालते हैं। संगत भुजाओं का हम निकालेंगे अनुपात, किसी और का नहीं, संगत भुजाओं का हम अनुपात निकालते हैं। बिल्कुल सर। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट देगा। देखो अब क्या करेगा, 10 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर को यहां पर लिख देगा। 10 गुना 4 सेंटीमीटर को यहां पर लिख दिया और 50 गुना 20 सेंटीमीटर को यहां पर लिख देगा। और सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि सर 10 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर के नक्शे को 50 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर तक स्केल करने के लिए स्केल गुणक होगा। अब आपको स्केल गुणक निकालना। देखो अब कैसे निकालोगे, तो देखो
10 सेंटीमीटर का, जहां पर ये जो लिखा हुआ 10 सेंटीमीटर का, इसका संगत भुजा कौन से? सर ये पहला वाला, इसका पहला और इसका पहला, तो इन दोनों का हम अनुपात निकालेंगे, यानी कि 50 को मैं भाग दूंगा सर 10 से, 50 को मैं भाग दिया 10 से, तो 10 से कम 10 और ये चले जाएगा 5 बार में, यानी कि स्केल गुणक क्या हुआ सर 5 हुआ, स्केल गुणक 5 हुआ। बिल्कुल यहां तक की कहानी क्लियर है सर। देखो फिर यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर छोटे को बदला गया है बड़े में, चार का संगत भुजा कौन है सर ये 20 होने वाला, यहां पर ये दूसरा नंबर था तो दूसरे नंबर का यहां पर कभी लेंगे, तो 4 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर दोनों क्या होंगे सर, दोनों संगत भुजा, दोनों का हम अनुपात निकालेंगे। तो हम छोटे से गए हैं बड़े में, तो यानी कि 20 को हमें 4 से भाग देना पड़ेगा, ये जाएगा 5 बार में, ठीक है, यानी कि इसका स्केल गुणा क्या हो जाता सर 5 हो जाता। तो इस तरह से बच्चों एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको दो प्रश्न समझा दिया, जरूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में दिया जाएगा, आपको डेटा चेंज करके भी दिया जा सकता है, उलट पलट कर भी दिया जा सकता है, आपका जवाब आपको आना चाहिए। बिल्कुल सर इस तरह से हम स्केल गुणक निकाल लेते। चलिए अब हम बढ़ना चाहेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाओ देख लो क्या बोला गया है, समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती है, इस बात को अच्छे से नोटिस करना बच्चों कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वे समान अनुपात में होते हैं। मैंने क्या बोल बच्चों कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती है ना वो समान अनुपात में होती। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर अ हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को भी पढ़ते एक बार, तो दूसरा ऑप्शन क्या दिया था सर, उनके संगत कोण बराबर होते। बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी के लिए एक कथन सत्य है, अगर दो त्रिभुज अगर बच्चों समरूप है तो उनके संगत कोण भी बराबर होते, यानी कि समरूप त्रिभुजों की दो विशेषताएं हो चुकी है। पहला नंबर, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत जो भुजाएं होती है वो समान अनुपात में होती है। दूसरा नंबर की विशेषता क्या है सर कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं इस का सही उत्तर क्या होगा, आपका जवाब होना चाहिए कि सर सा, क्योंकि यहां पर लिखा गया दोनों कथन, यानी कि ये जो अ और ये बा दोनों कथन बच्चों आपका पूर्णतः सत्य है, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा। ऑप्शन नंबर अ या फिर बा आपका सही जवाब नहीं होगा ना, ये सही जवाब नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सही थे और दोनों ऑप्शन को सही को दर्शाने के लिए ऑप्शन नंबर सी में कहा गया है कि दोनों कथन ठीक है। तो ये दोनों क्या है, इनकी विशेषताएं हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 10 स्टार लगा के रखना इसको, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। चलो अब इस प्रश्न में क्या रखा, कुछ भी नहीं रखा है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है। अब भी तो मैंने बताया था ना कि समरूप त्रिभुज की संगत जो भुजाएं होती है वे समान अनुपात में होते हैं। समान अनुपात कौन से ऑप्शन में दिया गया, बराबर तो नहीं हो सकता, समांतर भी नहीं हो सकता, समानुपातिक यानी कि समान अनुपात में होते हैं। इसी क्वेश्चन को देख लो कब पूछा गया है सर, ये पूछा गया था 2019 सेट सी में, इसी को मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में यहां पर बता दिया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं समान अनुपात में होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल सर देखो चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और यह रहा हमारा छोटा सा क्वेश्चन जहां पर आपको यहां पर यह बताना है सत्य या फिर असत्य, जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, कथन दिख रहा है, इसके बारे में बताना है कि जो स्टेटमेंट सर दिख रहा है वो सत्य या फिर असत्य है। पूछा कब गया है, 2020 सेट ए में पूछा गया था। बिल्कुल सर देखो क्या बोला गया है कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 5 स्टार लगा कर रखें इसको, 5 स्टार। जी हाँ बच्चों, जो सभी वर्ग होते हैं ना वो समरूप होते हैं, सभी जो वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, तो अतः यह कथन दिया गया कथन क्या है, सत्य, पूर्णतः सत्य हो जाएगा, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। बिल्कुल सर यहां तक की कहानी क्लियर है कि सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2020 सेट सी में पूछा गया था। तो सभी वृत्त बोल दो या फिर सभी आयत बोल दो, ठीक है ना, यहां पर आयत बोल रहा है वर्ग बता, ठीक है, वर्ग की बात होती है, तो सभी वर्ग बोल दो या फिर सभी यहां पर बोल दो वृत्त, दोनों क्या होते हैं बच्चों, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, समरूप होते हैं। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्ग और वृत्त के बारे में बोला गया, आयत के बारे में नहीं बोला गया, ठीक है। तो वर्ग और वृत्त दोनों क्या होते हैं, सभी वर्ग और सभी वृत्त समरूप होते हैं। बिल्कुल सर चलो अब यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए क्या बोला गया है।
आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 अंश होता है। बच्चों अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अपना बेसिक क्लियर है, तो बिल्कुल आपका जवाब यहां पर होना चाहिए सर, बिल्कुल हाँ, आयत के जो प्रत्येक कोण का मान होता है वो 90 अंश का होता है। कितना होता है बच्चों? 90 अंश का होता है। आपका आयत दिखता कैसे? देखो ये कुछ इस प्रकार से हमारा आयत होता है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर व समांतर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का बनता है। कितना बच्चों? प्रत्येक कोण 90 अंश का बनता है। और आयत कैसा होता है सर? आयत होता है चतुर्भुज। क्या होता है सर? चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, ये चीज भी आपको याद रखना सर, ये होता है 360 अंश। अब ये 360 अंश हमें कैसे मिला है? तो यहां पर देखो प्रत्येक कोण 90 अंश का है, तो सभी को मैं जोड़ूंगा, तो चार बार जोड़ूंगा तो मुझे मिल जाएगा सर ये 360 अंश। या फिर 90 को आप 4 से गुणा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 360 अंश। तो प्रत्येक जो आयत होते हैं, प्रत्येक आयत के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है। बिल्कुल सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। चलो अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देख लो जो क्या बोला गया। सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप भी होते हैं। सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप भी होते हैं। बिल्कुल सर, ये कहानी सत्य है। ये क्या है? सत्य। बिल्कुल ये सत्य होने वाला कि सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप भी होते हैं। पूछा कब गया है? छत्तीसगढ़ 2020 सेट बी में पूछा गया था। बिल्कुल देख लो, चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देखो क्या बोला गया। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होगा। बच्चों ऐसा कैसे हो सकता है? चारों कोण समान है तो चारों कोण यानी कि 60-60 अंश का होगा, 60-60 अंश का होगा। तो 60 को अगर मैं चार बार जोड़ूंगा, बस चतुर्भुज में चार ही तो कोण बनेंगे ना, चारों को मैं जोड़ूंगा तो यहां पर देखो क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 240 अंश। और हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि किसी भी चतुर्भुज में 360 अंश का कोण बनता है। अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश का होता है। यहां पर 240 बन रहा है, तो यह कथन जो है वो बिल्कुल असत्य है। क्या बच्चों? असत्य। यह आपका जवाब होना चाहिए। असत्य कथन है, असत्य कथन है। यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान है तो प्रत्येक कोण का मान सर यह 90 अंश होना चाहिए। अभी तो हमने आयत में पढ़ा था ना कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 होता है, तो 360 होता है, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का बिल्कुल होने वाला। चलिए अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देख लो क्या बोला गया। आ जाओ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेन स्टार देख रहे इसको क्या बोला गया। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, इस बात को नोटिस करना बच्चों। देखिए त्रिभुज तभी बनेगा, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, तो त्रिभुज तभी बनता है जब दो छोटी भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी बड़ी भुजा के बड़ी होनी चाहिए। मैंने क्या कहा बच्चों कि त्रिभुज तभी बनेगा जब दो छोटी भुजाओं का जो योग होगा वो तीसरी बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते, देखो मैंने यहां पर एक त्रिभुज लिया। चलो इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 3-4-5 है। देखो मेरी बात को नोटिस करना, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि त्रिभुज तभी बनेगा जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। देखो तो अगर मैं तीनों में कंपेयर करूंगा तो दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी है? सबसे बड़ा तो हो जाएगा सर 5, तो दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी है? 3 और 4। तो दोनों जो भुजाओं का जो योग होगा ना वो बड़ी भुजा कौन सी है? ये 5 है, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो 3 और 4 करूंगा तो सर मुझे मिल जाएगा 7। तो बच्चों अब आप लोग बता दो मुझे कि यहां पर त्रिभुज बनेगा कि नहीं? बिल्कुल सर बनने वाला है कि दो छोटी भुजाओं का जब हम योग कर रहे हैं तो वो बड़ी भुजा से बड़ी हो रही है। बराबर में भी त्रिभुज नहीं बनेगा, हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए। दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका त्रिभुज बनने वाला। बिल्कुल सर। अब यहां पर क्या पूछ लिया गया था, देखो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है। बिल्कुल असत्य कथन है, असत्य कथन है। बिल्कुल बच्चों असत्य कथन है, ये असत्य है। यहां पर इसको ऐसा होना चाहिए था कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तभी त्रिभुज बनता है, तो यह दिया गया कथन आपका असत्य हो जाएगा। बिल्कुल सर, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। देखो असत्य कथन है। आ जाओ चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यह हमारा प्रश्न क्रमांक 10, क्या बोला गया। देखो यदि दो त्रिभुज समरूप है ना, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो हमेशा, यहां पर समरूप नहीं होना चाहिए था, एक्चुअली सर्वांगसम होना चाहिए था, सर्वांगसम। ठीक है बच्चों, सुधार लेना, थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। यहां पर
सर्वांग, जो भी आपको वर्ड दिख रहा है इसके जगह आपको लिखना है सर्वांगसम, ठीक है। यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो हमेशा समरूप होता है, बिल्कुल ये कथन सर सत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको 10 स्टार लगा के रखना। पूछा कब गया, 2022 सेट से पूछा गया था। अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो हमेशा समरूप भी होते हैं, बिल्कुल सर यहां तक की भी कहानी निकल रही है। अब देखो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो वो हमेशा सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है, हमेशा सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, असत्य हो जाएगा, बिल्कुल सर। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और यह आपका अगला क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया, दो समरूप आकृतियों की माप में विशेष अनुपात होता है जिसे हम स्केल गुणक कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना स्केल गुणक के बारे में, बताया था। यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अगर दो समरूप आकृतियों की माप में विशेष अनुपात होता है तो उस विशेष अनुपात को सर हम कहते हैं स्केल गुणक, स्केल गुणक कहते हैं, स्केल फैक्टर जिसे कहा जाता है। स्केल गुणक आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, खाली स्थान में आप क्या भरेंगे, स्केल गुणक भरने वाले, बिल्कुल। चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो पूछा गया था 2017 सेट सी में, देखो क्या बोला गया, सभी सर्वांगसम बहुभुज भी हो, सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, समरूप, यहां पर आपको लगा लेना है समरूप, ठीक है। तो खाली स्थान में क्या आएगा सर, समरूप आएगा, सभी सर्वांगसम बहुभुज समरूप भी होते हैं, बिल्कुल आपका आंसर सही होने वाला है। चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह रहा आपका अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। देखो क्या बोला गया, आ जाओ, चलिए कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, एक कक्षा छठवीं का सवाल है, आ जाओ। यदि त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर सर्वांगसम है तो इसे गणितीय कथन के रूप में लिखेंगे। ए बी सी सर्वांगसम का आपको यहां पर चिन्ह बताना है, तो सर्वांगसम को चिन्ह बताने के लिए हम पहले ये दो लाइन बनाते हैं और इसके ऊपर में हम ये सांप जैसे चिन्ह बना देते हैं, ये हमारा कहलाता है सर्वांगसम का, ठीक है बच्चों। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। देख लो इतना छोटा सा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बस ये सर्वांगसमता का चिन्ह याद रखना है जो कि आप कक्षा 9वीं में पढ़कर आए हुए हैं, बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यह हमारा अगला क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है, यदि त्रिभुज एबीसी एवं पीक्यूआर समरूप हो तो गणितीय कथन त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर होगा, खाली स्थान। देखो क्या बोला गया है यहां पर, समरूप, अब तो समरूपता का चिन्ह सर ये साहब जैसे आप कुछ बनाते हो ना, ये होता है हमारा समरूपता का चिन्ह। तो बस इतना आपको काम करना है और आपको एक नंबर मिलने वाला नहीं, बुराई क्या है, दिक्कत क्या है, बताओ ना। बस ये चिन्ह लगा दिया सर, आपको मिल गया एक नंबर। देखो इतना छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है और यह पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2017 स्टेट बी में पूछा गया था, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो तो आज की इस क्लास में बच्चों मैंने आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं और साथ ही साथ मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, हमने समरूपता के बारे में पढ़ा, स्केलिंग के बारे में पढ़ा और स्केल गुणक निकालना भी सीख चुके हैं, यानी कि एक नंबर वाले प्रश्नों के बारे में हम बात कर चुके हैं। सेकेंड जो क्लास आएगा इसका, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो अधिकांश मेरे बच्चों को क्या लगता है, कंफ्यूजन लगता है। मैं एक बार पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल अब जिंदगी भर के लिए नहीं भूलने वाला, दो प्रमेय मैं नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं, पाइथागोरस प्रमेय और एक हमारा होने वाला है थेल्स प्रमेय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रमेय में से बिल्कुल एक ना एक प्रमेय आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है, तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं। तो बस आज जो मैं पढ़ाया हूं उसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो बिल्कुल लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।